पछताएंगी बोकदे सिंघां नूं हथ ला के उन्हें पलवाना नाल पंगा ले लिया। पलवाना ने उन्हें वह दा मारना ही मारना, इस करके ब्रिजभूषण सिंह ने चित होना ही होना इस कुश्ती च। आवाज़ ए खलकत नगारा ए खुदा होती है, नगारा ए खुदा बच चुका है, खुदा अज पलवाना दे नाल है। तू अपने फतवे दिंदे ने सियासत है फलाना है, किसी धी की इज्जत की राखी करना सियासत है। साडे देश के वो हीरे जिन्होंने बहुत कुरबानियां करके बहुत मेहनत करके भारत वास्ते वो तमगे जित के लिया, और अज उन्होंने जिस ढंग के नाल जंतर मंत्र से दिल्ली दी सड़कों पर जां हरिद्वार वाले पासे रोलिया जा रहा है, ये हरगज जड़े है वो भारत की जनता मंजूर नहीं करेगी। देखो बाहुबली है जिहड़ा ना, यह बाहुबली है पटाका साहब तो होना जिहड़ा फुस जां पटाका, लोगों की ताकत तो वड्डी कोई चीज़ नहीं। कि सारे चोर बदमाश बलात्कारी जिनसी शोषण के दोषों वाले भ्रष्टाचारी ये जाके सब दुध के नाते धोते हो जाते। तुसीं जुड़े हुए हो दुनिया के नाल, मैं मनदीप, नवें भारत के विच तुहाडा स्वागत है। जदों तुसीं नवें भारत के विच एंटर करोगे तो सब तो पहला तुहानूं पहलवान खिडारन कुड़ियां गंगा दे विच मैडल सुटदियां नज़र आउणगियां। अगे जाओगे तो पंजाब दे विच किसान उन्हां दे पुतले फूकी जा रहे ने, ब्रिजभूषण सरन सिंह उन्हां दे सरकार दे पुतले फूकी जा रहे ने। तो आपां गलबात करांगे कि आखिर इहो जिहा क्यों हो रहा, पूरे वर्तारे ते गल करांगे। साडे नाल संयुक्त किसान मोर्चे दे आगू ने जिहड़े कि अज पटियाले दे विच सरकार दे ते ब्रिजभूषण सरन सिंह उन्हां दे पुतले फूक रहे ने। आपां गलबात करदे हां, साडे नाल रमिंदर पटियाला ने। रमिंदर जी, जदों नवें भारत के एंट्री की गल आ कि नवें भारत तुहाडा स्वागत, इन्ना सोहना नारा आउंदा, दूजे पासे वो लड़कियां ते नाल उन्हां दे होर जिहड़े खिडारी आ वह गंगा दे विच मैडल सुट्टन जांदे, उन्हां दी खिच तू हुंदी आ, ते इत्थों तक यह भी गल आउंदी आ कि उन्हां नूं कहिंदे थोड़ा एनकाउंटर भी कर देंगे, तो कि दिशा दे वल नूं जा रहा लगता देश? ये देश इस समय एक लगातार वध रही तानाशाही वल नूं वध रहा। 28 तरीक नूं जो वापरिया ये बहुत शर्मसार करन वाली घटना आ। वो लड़कियां जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच से ये मुल्क च पहला ही मैडलों का सोका आ, ये मुल्क उस तरह लैवल के खिडारी नहीं पैदा कर पाया। तो जे कुछ खिडारियों ने मेहनत करके मैडल दवाए अंतरराष्ट्रीय मंचा तो 140 करोड़ देशवासियों की नक रखी, अज उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा ये दसदा कि इस देश जिहड़ी सोच पनप रही है वो सोच भाजपा की सोच है। तो भाजपा गुंडई रन उचके प्रधान जो भी, यह एक मुहावरा है साडा कि सारे चोर बदमाश बलात्कारी जिनसी शोषण के दोषों वाले भ्रष्टाचारी ये जाके सब दुध के नाते धोते हो जाते हैं। यानी कि एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी दुकान है जिस दे विच सब जिहड़ा ना बंदे दा जिहड़ा फेस बदल के उसनू लिपा पोची करके बाहर कढ़िया जांदा। ब्रिजभूषण वर्गा महागुंडा, ब्रिजभूषण शरण सिंह वर्गा वो व्यक्ति जिसके उपर महिलावां ने शोषण के दोष लाए ने, पहलवाना ने शोषण के दोष लाए ने, वह भाजपा की दुकान के विचों दी गुजर के अज पूरा पतवंता ते बहुत देशभगत आदमी है। ये नवा देश ये बन रहा, और इस नवे देश किसान मायूस होकर खुदकुशी करता सी। खिडारना दे मैडल सुट्टन जाण वाला मामला, पहलवाना दे मैडल सुट्टन जाण वाला मामला उस तरह की मायूसी है कि सानू न्याय नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दिती, परचा दर्ज हो गया, जिन्ने पुराने संघर्षों की बदौलत निर्भया कांड होर की बदौलत औरत जथेबंदियों ने कुछ लड़ के अधिकार जितते सी उन्हां अधिकारां तहत है कि जिसते पोस्को एक्ट तहत परचा होया होवे उहदी फौरी गिरफ्तारी मंगी जाती है, पर वो गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, वो खुला छड्या जा रहा। 5 तरीक नूं जन चेतना रैली कर रहा, किहड़ी चेतना फैलाउणी है जी उन्हें? उन्हें भाजपा की उस दुकान की चेतना फैलाउणी है जिथे सारे भ्रिष्टाचारी औरत विरोधी सोच, दलित विरोधी सोच, लोक विरोधी सोच, तानाशाही की सोच सारी वो मिलती है। और इस गल नूं लैके अज असी ये देखते हैं कि जरूरत सी हा दा नारा मारन की, जरूरत सी उन्हां जागदी जमीरां नाल जिन्हां दा झंझोड़िया गया सब कुछ उस दिन जिदन वो खिडारी पहला तो 28 तरीक नूं जिदन वो मैडल प्रवाह करन चले ने,
सारिया जागदिया जमीर झंझोड़िया गई ने और अज वो जागदिया जमीर देश भर च संयुक्त किसान मोर्चा भी देश दिया सेंट्रल ट्रेड यूनियनज़ भी सारिया 10-12 ट्रेड यूनियनज़ ने सारिया देश दिया औरत जथेबंदियां देश के विद्यार्थी नौजवान तो इंसाफ पसंद लोग अज ब्रिज भूषण दे गिरफ्तारी की मंग करते हुए केंद्र सरकार की यह जी बौली नीति है बौले कन्नू सुनाने लिए अच्छा अर्थियां फूक रहे हैं और यह मामला रुकना नहीं इतने संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई है पलवाना एक डेलीगेशन भेजा सी कि भाई तुसी घबराओ ना तुसी अपने बिहाफ ते एक मीटिंग सदो सारिया किसान मजदूर औरत जथेबंदियां विद्यार्थी जथेबंदियां सिविल सोसाइटीज खापा सबनों सदो सारे आउणगे और एक वड्डा मोर्चा बना के इस सोच नू जिहड़ी औरत विरोधी और जिहड़ी न्याय विरोधी है जिहड़ी तानाशाही ते टिकी है उसनू नंगा करन दी लोड़ है। और मैं इको गल कह के कहना चाहुंदा जो अस्थाने ने कहा कि एनकाउंटर कर देंगे असल च यह आने वाले समय का तस्वीर है जो भाजपा बनाना चाहती है। अतीक होया सी पलवाना के मामले च यह होया जे तुसीं इह बुश दी ओह थ्योरी है जे तुसीं साडे नाल हो तो सब ठीक है जे तुसीं साडे विरोधी हो चाहे लख तुसीं सच्चे होवो तो तुसीं देश द्रोही हो तुसीं इस मुल्क च रहण दे काबल नहीं इस मुल्क च यह सोच गड्डी जा रही है और इस नूं नेस तो नबूद करना इस नूं मुद्दे मूँह सुटना इस नूं कूड़े दे ढेर ते सुटना वक्त आ गया और अज इंसाफ पसंद लोग सामने आए ने। अक्सर यह चलता कि पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां अपने मुद्दियां ते लड़दियां भी पहला क्यों नहीं बोलियां असीं लगातार बोल रहे सी पर हुण लोड़ है कि हुण सड़क ते बहुत जोर शोर नाल उतरिया जावे और जोर शोर नाल उतर के इहदे खिलाफ आवाज़ दित्ती जावे। असीं अज कहण आए हाँ गुरमीत दित्तूपुर जी खड़े ने क्रांतिकारी किसान यूनियन के जिला प्रधान कुलवंत सिंह मौलवी वाला खड़े ने कुल हिंद किसान सभा के आगू ने मैं किरती किसान यूनियन वालों हाँ होर वीर ने उरे जमहूरीयत घरां दीआं जथेबंदियां आईआं होईआं ने प्रोफेसर आए ने यूनिवर्सिटियां दे घट गिनती कमीशन दे साबका चेयरमैन वाइस चेयरमैन आए ने प्रोफेसर बाबा सिंह कॉलेजां दे साबका प्रिंसीपल आए हुए ने सारे ये साबित करते हैं कि देश नूं 28 तरीक तो बाद पलवाना नाल कीता व्यवहार कतई पसंद नहीं आया और इस दी अज असीं मुखला जिहनूं कहिंदे कि डटमा विरोध कर रहे हैं और ये वादा करदे आ पलवाना नाल कि न्याय की लड़ाई दे विच महाराज तुसीं कल्ले नहीं हैगे थोड़े नाल है पंजाब डट के नाल खड़े। वो कहिंदे आ कि राजनीति हो रही है जी इस मसले ते राजनीति कर रहे पलवान भी राजनीति कर रहे विरोधी धिरां भी ते पंजाब दे लोक भी की लगदा? देखो ये राजनीति सरकार कर रही है और ब्रिज भूषण दे चेहरे दे विचों कर रही है जिस ढंग दे नाल ब्रिज भूषण अज अयोध्या की धरती ते वड्डा इकट्ठ करन दीआं डींगा मार रहा है वो समझ रहा है कि जिहड़े लोग है मेरे दबा दे नाल दबे रहणगे पहलवानां दे हक दे विच कोई उठेगा नहीं ये उहदा भुलेखा है। ये भुलेखा दूर करन वास्ते संयुक्त किसान मोर्चे ने हमला मारिया और संयुक्त किसान मोर्चे के जड़े आगू साडे है उन्होंने तकड़े हो के उन्हों का साथ देने की गल की है। पहला किसान जथेबंदियां अपनियां मंगां वास्ते लड़दियां सी पर एक पहली बार होया साडे देश दे ओ हीरे जिन्हां ने बहुत कुर्बानियां करके बहुत मेहनत करके भारत वास्ते वो तमगे जित के लिया और अज उन्हें जिस ढंग के नाल जंतर मंत्र ते दिल्ली दी सड़कों ते जां हरिद्वार वाले पासे रोलिया जा रहा है ये हरगज जिहड़े है वो भारत की जनता मंजूर नहीं करेगी और आने वाले समय के एक बहुत वड्डा जिहड़ा संघर्ष है वो साडे इन्हां पहलवानों के हक के उसरेगा और ये जिहड़ा ब्रिज भूषण है इहनूं सलाखां पिछे जिन्ना चिर नहीं किया जाता जिन्ना चिर इहनूं सजावां नहीं दित्तियां जांदियां ये जिहड़ा अंदोलन है ये पहला नालों भी वड्डा और जिस तरह किसान अंदोलन सी किसान अंदोलन दीआं धुम्मां जिस तरह दुनिया में पईआं सी ये जिहड़ा अंदोलन है ये भी उस ढंग दे नाल इत्थे दिल्ली भी घेरी जाएगी इत्थे होर राजधानियां भी घेरियां जाणगियां पर अज असी संयुक्त किसान मोर्चे दे सद्दे ते अज पुतले फूक के अपने विरोध प्रदर्शन करके असी यह दस देना चाहते हैं कि ये कन्नां तो बोली जिहड़ी सरकार है अखां तो अन्नी जिहड़ी केंद्र सरकार है इहनूं जागणा चाहीदा ये जाग के वो साडे जिहड़े हीरे ने
साढ़े पहलवान है उन्होंने इंसाफ देवे, साड़िया तियां इंसाफ देवे जड़िया सड़कों पर रुलदियां फिरदियां ने। सो इस करके ये भुल जाना चाहिए नरेंद्र मोदी और ब्रजभूषण कि इन्होंने दमगड्डिया तो लोग डर जाएंगे। लोग बिल्कुल डरन वाले नहीं, लोग उठ पे ने, लोग इन्हों के गल च हथ पा तुक जाएंगे जे इन्होंने लोगों को इंसाफ ना दिता और साडे जोड़े पहलवान बच्चे है उन्होंने इंसाफ ना दिता तो यह जड़ा अंदोलन है ये गलिया कूचिया तक जाएगा। सो असी संयुक्त किसान मोर्चे वालों ये केंद्र सरकार नूं चैलेंज करते हैं कि यह जे गुंडिया की पुश्त नहीं करनी है जी वह छड के इंसाफ वाले पासे तुरे, नहीं तो यह अंदोलन होर विशाल होएगा। जो गल आउंदी है जी वो पहलवान लड़कियों लई खिडारियों लई पंजाब दे विच आवाज़ उठती आ तां की पंजाब दा रिश्ता उन्हां पहलवानां नाल कल्ला मैडलां वाली आ जां कोई होर रिश्ता भी आ कि पहलवानां दे हक दे विच पंजाब च आवाज़ उठ रही आ? असल च जिहड़ा समुचे समाज की इज्जत का सवाल है, तियां दी इज्जत का सवाल है और एडी बेशर्मी नाल जिहड़ा सिस्टम बलात्कार इहनूं पालदा, जिवें असीं कहिंदे आ वी उह बोले कन्नां नूं सुणाउणा है वह बोले कन्नां नूं सुणदा है, इस करके वह सारा कुछ करी जांदे ने। उहदी रोक किवें बणना है साडे लोकां लई सवाल है। हाले असीं इन्हां प्रोटेस्टां च पए वे हैं, पूरा देश का हर बच्चा इस गल की निंदा करदा भी कोई रौला नहीं, पर सवाल है भी गल इत्थे पहुँच गई निंदा तो अगे कुछ करन दी लोड़ है। वो अपने फतवे दिंदे ने सियासत है फलाना है, किसे धी दी इज्जत की राखी करना सियासत है, इस करके इंज बेहोदा किस्म की जिहड़ी उहदी राजनीति है। जिन्ना थोड़ा चैनल प्रापोगंडा इन्हां गल्लां नूं लोकां दी चेतना तो उल्ट पेश करदा, इस करके असीं इस गल्लों चेतन है भी हालांकि मी टू एक मूवमेंट चली सी कई साल पहला, वो तो बाहरले जिहड़े विकसित देश ने यानी औरत किते भी सुरक्षित नहीं, इस करके साडा मुल्क तो उदों भी पछड़िया वा, साडा मुल्क जगीरू परंपरा दा, साडा मुल्क धर्म आधारित है, धर्म हमेशा ही पछाकड़ी हुंदा समाज नूं चंगे पासे नहीं तुरन दिंदा। असीं कहिंदे अज साडा सिस्टम बुरजा कदर कीमत पूंजीवाद है जिहड़ा कहिंदा भी हर एक नूं आजादी खुल, हालांकि अमल च इहदा विरोधी हुंदा, तो इस करके अपने क्राइसिस नूं छुपाउण लई आर्थिक क्राइसिस है, गरीबी है, तंगी है, इन्हां मुद्दियां तो लोगों नूं गुमराह कर लई ये जातन ने धर्म का मुद्दा फलाना, हिंदुओं नूं खतरा, मुसलमान नूं कतल करो आ करो, यानी असी वह सारे लोग इस वर्तारे नूं उहदी सियासत नूं नहीं समझ रहे। हुण ठीक है इस धीआं दे मसले तो असी जदों गल सिरे आ गई तां कुछ चेतन होया, सारा समझाया, असल साडा अपना लोकां दी जिहड़ी बुद्धि ते उहदा प्रापोगंडा जानी उस सियासत असीं घूमी जाने उहदी आलोचना तां करी जाने आ बहुत माड़ा है बहुत माड़ा है। हालांकि वह देखो माड़ा इन्ना हो रहा है, सुभाषकर जी ने 13 वार जेल चो माफ़ी मंगी अंग्रेज़ों तो, अच्छा वह जो उत्थे जन्मदिन से पार्लीमेंट खोल रहे ने उन्होंने हीरो बनाते हैं भी यह देश की आजादी लिए लड़िया, हालांकि उन्हें कहा भी मैं जन अंग्रेजा चाहना इतने रहो, मैं सिर्फ इतने हिंदू राष्ट्र बनाना। थोड़ी आ गई है जी गल, आप एक सवाल होर लवेंगे रमिंदर जी थोड़े तो, जो कहें कि वह बाहुबली आ तो एक प्रभाव एडा बनता यार भी उन्होंने कोई वो रथ को रोक नहीं सकता है ना, तो की लगता जो पंजाब के आवाज़ उठ रही है उस बाहुबली के रथ में, जिवें पिंड भी कहे ना जो कोई सान पूसर जो सिंगा रस्सा पाना कि पऊगा रस्सा सिंगा की रोकूगा वह रथ जिहड़ा है? देखो बाहुबली है जिहड़ा ना यह बाहुबली है पटाका साबित होना जिहड़ा फुस जिहा पटाका, लोगों की ताकत तो वड्डी कोई चीज़ नहीं, उसने जिन्हों कहना पछताएंगी बोकदे सिंगा हाथ ला के उन्हें पहलवाना नाल पंगा ले लिया, पहलवाना ने उन्हें वह दा मारना ही मारना, इस करके ब्रिजभूषण सिंह ने चित होना ही होना इस कुश्ती च, लोगों की ताकत तो वड्डा कोई नहीं और अज लोग ताकत अपने पहलवाना दे नाल है, लोग इंसाफ पसंद लोग जदों तुर पैन तो चीज़ पलटती है। मोदी नूं अज एक समझ लेना चाहिए, एक नवा अंदोलन उस सलवटे लै रहा, न्याय दे दे ब्रिजभूषण नूं बचाउंदा बचाउंदा किते इस अग च आप ना लिपट जायो, मोदी साहब इंसाफ दिओ, तुसी हमेशा जदों लोकां दे इंसाफ दी गल आउंदी है तां कन्नां च रूं पा के बह जाने हो, फिर एक साल बाद जदों किसान अंदोलन च जाके तुहानूं पछतावे दे बोध हुंदा तां तुहानूं लगदा बहुत गलत हो गया, इत्थे भी तुसी गलत साबित होवोगे इस तों पहले कि तुसी उदों जाके पछतावे दा बोध करो, छेती न्याय दिओ, नहीं तां लोक अपने पहलवानां नाल खड़े ने
ਇਹ ਬਾਹੂਬਲ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਖਲਕਤ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬਚ ਚੁੱਕਾ ਆ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੱਥ ਪਊਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਠਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ।